जी तो 27.3 हम देखते हैं जी, अ कंपनी मेंटेन्स इट्स नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट, अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट। ईच टाइप ऑफ एसेट इसलिए कह रहे हैं कि मशीनरी और एक दूसरा का दूसरा हमारा अकाउंट है फिक्सचर का। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड फिक्सर इज टू बी इज द रेट ऑफ 5% पर एनम, सॉरी मशीनरी 15% है फिक्सर 5% है। यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एसेट इन एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर गिविंग ए, यानी जो एसेट साल के एंड में आपके पास है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फुल ईयर की, गिविंग ए फुल ईयर डेप्रिसिएशन इवन दो द एसेट इज परचेज और बॉट पार्ट ऑफ द वे। अगर आपने साल के दौरान भी खरीदा है तब भी आप एसेट पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करेंगे, तो एनुअल बेसिस है। फॉलोइंग मशीन्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, तो मैं सिर्फ अभी मशीनरी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा, ओनली फॉर मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में बनाऊंगा देखिए, मशीनरी अकाउंट हमने 2012 और 2013 का सवाल है, दो क्वेश्चन है हमारे 12 में और 2 सालों का सवाल है 2 ईयर्स का। 1 जनवरी को आपने बॉट मशीन की कितने की, 2800 की मशीनरी आपने परचेज की है, तो फन वन आ जाएगा बैंक के नाम से, मशीनरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 2800। हम देखते हैं क्या हमने इस साल कोई और एसेट परचेज किया या कोई और मशीनरी परचेज की है, तो हमने इस साल कोई और मशीनरी परचेज नहीं की, ठीक है जी। तो आगे हमने एक मशीनरी परचेज की 2013 में, तो इस साल तो कोई परचेज नहीं की, तो टोटल कर देंगे इसका। ये आपका आ जाएगा कैरी डाउन, मैंने एक वॉइस नोट भेजा था वो सुने आप लोगों ने? सर ईमेल आपने भेजी थी? नहीं, ईमेल तो भेजता हूँ, वॉइस नोट के मैंने नहीं भेजा वॉइस नोट। नहीं सर आपने नहीं वीडियो भेजी। भेजी थी कोई, आज पता नहीं क्या था वो। अच्छा मैं अभी वॉइस नोट आपको भेज रहा हूँ, एक सेकंड मुझे वेट कीजिएगा जरा। रानू मैंने तो आपको ही भेजा था मेरे हिसाब से, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है। नहीं सर आपने नहीं भेजा था। मैंने वही ना किसी और ग्रुप में भेज दिया होगा ना, गलती से ऐसा कुछ कर दिया होगा। पोजीशन से पहले वाले साथ इसमें होगा ये है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भेज रहा हूँ आपको। क्या नाम है हमारे ग्रुप का? सर अकाउंटिंग ग्रीन हॉल। ये मैंने भेज दी है भैया, आप बाद में आप सुन लीजिएगा, ठीक है जी, इस पर हम डिस्कस बाद में करते हैं। अच्छा जी, 2800 आपका निकला है। अब हमने इसी साल 2013 में वी हैव परचेज अनदर एसेट, जिसकी हमारी जो डेट है वो हमने 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया, कितने का, 3500 का, तो ये 110 आ जाएगा, लेकिन हमारा एनुअल बेसिस है इसलिए हमें डेट से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। टोटल कर देंगे इसका 003 6300 आपका टोटल आ जाएगा, समझ आ रही है ना? जी सर। इधर भी 16 31/12 को आपका आ जाएगा कैरी डाउन 6300, और वो आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 6300, ठीक है जी। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, तो डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी पे कितनी है, 15%। 2015 में पहले डेप्रिसिएशन हम जब चार्ज करेंगे तो हम निकालेंगे 2800 का, क्योंकि एनुअल बेसिस है इसलिए मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, 15% ले लेंगे। कितना आता है जी बताएं जी, जी सर 2800 का 15% कितना आता है? 420 आ जाएगा जी। इससे आप एंट्री पास कर देंगे, इनकम जी सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 420 से इनकम स्टेटमेंट की वजह से, और अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे, वो बात की बात है। अब मैं कह रहा हूँ 2016 की कैलकुलेशन, 2016 में पहले 2800 में से मैं 420 माइनस करूंगा। बिकॉज हमारा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
जो डिविजन पिछले साल हुई है उसको आप माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें निकालेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 2380 का 15%। और एक ऐसे हमने ऑर्किड है इस साल 3500 का, इस पर लेंगे 15% क्योंकि इस पर अब तक तो डिविजन कोई नहीं हुई, 15% पहले साल ही होगी आपकी, आ जाएगी 525। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास 882 आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी 2016 की। इसका बनाने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसी पर इसको मिटाता हूँ मैं, इसको एसेट अकाउंट को। और हम बना लेंगे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सबसे पहले आएगा 2012 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले पहले साल डेप्रिसिएशन हो रही है उसको 420 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 420 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, कब, 31/12 को, इसको हम क्लोज कर देंगे, 420 इधर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कैरेट डाउन, कब, वो भी 31/12 को, और ये हमारा आ जाएगा टोटल। दिस कैरेट डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये शो कर रहा है कि आपके एसेट्स अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं 420। अब 2013 में दोबारा डेप्रिसिएशन होगी, कितनी, 882, इसकी एंट्री होगी वही इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 882 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, कब, साल के एंड पर होती है डेप्रिसिएशन, टोटल कर देंगे इसका आपका आ जाएगा 1302, इधर भी आपका आ जाएगा 1302, इधर भी आपका आ जाएगा 1302 31/12 को, और ये बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन। ये मैंने अकाउंट आपको बनाकर निकाल दिया, 3 हमने कर लिया, ठीक है जी। इसमें मसला है तो फातिमा बता दें, कोई आपको तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आगे चलूं मैं? नहीं सर, नहीं लिख लिया है, बस एक सेकंड सर, आखिरी जी लिख लें, लिख लें। जी सर लिख लें। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, उसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। क्या होता है जी, डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, यानी एसेट को आप सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। सपोज करें आपने एक एसेट परचेज किया है 10,000 का, और आप उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, और आप 4 साल एसेट को यूज करते हैं, ठीक है जी। हम कैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का मतलब मैंने क्या बताया, सेल ऑफ एन एसेट, तो व्हेनेवर एन एसेट इज सोल्ड आउट we are going to open a separate account called asset disposal account, and everything related to that asset which is being sold out are going to be transferred to that particular asset account, and for that we have to pass some entries, theek hai ji. Lekin pehle us example dekh lete hain, 10,000 ka asset tha mere paas, ek 10% depreciation thi, ek saal use kiya, kitne ka rahega, 9,000 ka, fir use kiya ek saal aur, kitne ka rahega ji, 8,000 ka, fir 1 year aur mazid use kiya, kitne ka rahega ji, 7,000 ka, फिर एक साल और यूज किया हमने, कितने का रह गया, 6,000 का। 4 साल यूज करने के बाद हमने एसेट वो क्या कर दिया है, ये कहलाती है इसकी बुक वैल्यू, सोल्ड कर दिया हमने कितने का, 5,000 का। इससे क्या पता चल रहा है कि आपको 1,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि 10,000 को कंपेयर कर देते हैं 5,000 से, 5,000 का लॉस हो रहा है, नहीं 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 नहीं, द एसेट हैज बीन यूज्ड फॉर 4-5 years and then it has been sold out. So you need to calculate the book value of the asset first. Cost minus depreciation. जो आएगी, उसे compare करेंगे sale proceeds के साथ. Then you will find आपकी book value 6,000 है. आपका sale कितने का? 5,000 का. तो आपको loss हुआ है. आपको क्या कहते हैं sale loss हुआ है 1,000 का. ज़्यादा का बिकता तो profit हो जाता आपको. तो इस तरीके से profit loss हम calculate करते हैं. And that is our topic, disposal of an asset. हाँ? Book value क्या होती है? देखिए.
एसेट की कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे तो जो आपके पास अमाउंट आती जाती है उसे बुक वैल्यू ही कहते हैं। यानी कि ये देखिए जी, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड वी हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट। और वो कैसे निकालते हैं, दैट बुक वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द सेल प्रोसीड्स टू गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और बुक वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट। अगर हम उस सवाल की बात करें जो भी मैंने आपको अभी आपको बताया था, उसमें आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी पता है, 10,000, और टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट कितनी थी, 4,000। तभी तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आई थी, 6,000, क्योंकि 4,000 डेप्रिसिएट हो चुका था। सेल आपने कितने किया था, इसलिए तो 1,000 का लॉस हो रहा था और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो व्हाइल सेलिंग एन एसेट, आगे पढ़ता हूं, अ सेपरेट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। That account is called asset disposal account. ठीक है जी, उस account को हम asset disposal account कहते हैं। And following are the entries which are recorded in asset disposal account, जो हम pass करते हैं entries disposal account में pass करने के लिए करते हैं। अब पहली entry हमारी क्या होती है, अगर मैं इसी question पर entries pass करना चाहूंगा तो मैं कैसे pass करूंगा वो बताने जा रहा हूं। पहली entry pass करूंगा मैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000, और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसकी जनरेशन क्या आ जाएगी, एंट्री हम पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट से, तो कॉस्ट कितनी जाओगे, 10,000 है, उससे एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके एसेट में से वो हम निकाल रहे हैं एसेट, क्योंकि बेच दिया ना, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप अपनी कॉस्ट में से निकाल देंगे क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर रहे अगले साल, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, दूसरी एंट्री हम पास करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और ये एंट्री हम पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड व्हिच इज 6,000। फोर थाउजेंड उसके बाद एंट्री हमारी क्या होती है, कैश डेबिट, पैसे मिले हैं आपको, पैसे कितने मिले हमें, 5,000, सब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। वो क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री आप लिखें, अस्सलाम वालेकुम जी।
तो कैश रिस्क की एंट्री हम किससे पास करते हैं, ये होती है विद द टोटल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड। बच्चा उसकी टोटल प्रोसीड से हम एंट्री पास करते हैं, और इसके बाद बनाते हैं हम कैश एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो नया अकाउंट है। क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया, अभी देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, when an asset is sold we have to calculate the book value of that asset, the book value will be compared with the sale proceeds to get profit or loss on sale of asset. Book value kya hoti hai, original cost minus total depreciation to date. Total depreciation to date ka matlab hai from the date of purchase till the date of sale, from the date of purchase till the date of sale. So while selling an asset a separate account will be prepared to calculate profit or loss on sale of asset, that account is called asset disposal account. While selling an asset a separate account is prepared will create profit or loss on sale of asset, that is called asset disposal account. Following are the entries to record the asset disposal account. तो वो सारी entries जो हमने pass की हैं सामने, हमने देखी हैं कि सामने कैसी entries pass होती हैं, मैंने समझाई भी हैं आपको। अब इसका logic जरा देख लेते हैं। Asset disposal account to asset account पहली entry मैंने pass की, asset account credit हो जाएगा, disposal account debit हो जाएगा, क्योंकि asset decrease हो रहा है, decrease in asset credit. Provision for depreciation debit हो रही है, वो liability decrease कर रही है आपकी, इसलिए debit हो रहा है, disposal account credit हो जाएगा आपका। कैश टू एसेट डिस्पोजल जितने पैसे आ रहे हैं वो एंट्री है, उसके बाद हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं जो मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ। ये जो मैंने वॉइस नोट भेजा है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से आप जब सुन लोगे वॉइस नोट तो आपको सारी बातें मजीद समझ आ जाएंगी। ये हम बनाएंगे जी एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इधर आपके आ जाएंगे डॉलर के साइन और आगे भी आ जाएंगे डॉलर के साइन। सब हमारा क्या एंट्री, एंट्री से बनाना है ना आपने, तो पहली एंट्री में एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है हमारा भाई, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, एसेट की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको कितने से, 10,000 से। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। कितने से, 4,000। फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, 5,000 से। अगर डेबिट शीट बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा, अगर क्रेडिट शीट बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर डेबिट शीट बड़ी है, 10,000 है, आपको डेफिनेटली लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस आप किस नाम से लिखेंगे, लॉस आप क्रेडिट शीट पर लिखेंगे, डिफरेंस आ रहा है उसको क्रेडिट पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से। यहां पे आप लिखेंगे 10,000 इधर भी आपका आ जाएगा 10,000 और यहां पे आपका आ जाएगा लॉस जो कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से 1,000, ये हमारा लॉस आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, ऐसा हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। समझ आ गई इस बात की, अगर डेबिट शीट बड़ी होगी तो लॉस होगा, क्रेडिट शीट बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, आएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, दोनों जगहों पे इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही आप जो है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस तरीके से इसको लिखेंगे। ये दो तरीका है उसका। सर सर जी 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 सर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है और सर बहुत मैसेज कर रहे हैं अभी। तो यार हमारी तो क्लास 5 बजे खत्म हो गई, 4:20 से 5 का टाइम रखा है, 5 का टाइम है, सॉरी 3:20 से 4 का। सही है सर, मैं उनसे कह देता हूँ बस 9 मिनट, अभी 4 बजे नहीं, 9 मिनट रह गया ना, उनसे कहता हूँ 10 मिनट।
उसे कहते 5 मिनट कह दो, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा, ये कैसी बात है अब कि हमने एसेट डिस्पोजल बनाने के बाद चौथी एंट्री बाद में करनी है, चौथी एंट्री डिस्पोजल बनाने के बाद होगी, वो क्या है? प्रॉफिट और लॉस की। और वो क्या एंट्री होगी करके दिखा रहा हूं मैं आपको, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा 1000 से और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से जी? 1000 से। इस एंट्री को दोबारा पोस्ट करो अकाउंट में तो बैठेगी, सही बैठेगी। एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 1000 से, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से, ये हमारा अकाउंट बिल्कुल बनेगा। ये चार एंट्रीज आपने याद करनी है डिस्पोजल अकाउंट के हवाले से, और ये जरूरी है कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब इसके क्वेश्चन में इंशाल्लाह था। फातिमा, यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताओ। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, और तला आपको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट लिखिएगा जरा, यहाँ पे आपने लिखना है जो हमने टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल तो नहीं परसों, लेकिन वो मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, आप भी लिख लो अपनी कॉपीज के ऊपर। When there is already balance in asset account and provision for depreciation account, when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, then we will solve the question in a different manner. Then we will solve the question in a different manner. और वो हम पढ़ेंगे, ये हमारा बिल्कुल अलग टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। When there is already balance in asset account and provision for depreciation account, when there is already balance in asset account and provision for depreciation account, then we will solve the question in a different manner. और वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, और वो ये टॉपिक है सबसे मुश्किल जो कि डेबिशन में आएगा फ्यूचर में। डिस्पोजल इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन में आपको भेजूंगा सॉल्व करने के लिए, सारी बात है कुछ उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बुक का क्वेश्चन जो है वो 27.4 अगर हो जाता तो कर लें, क्योंकि फातिमा ने कर लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर हो जाता तो कर लें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स फाइन, राइट? यस। अच्छा, दूसरा 27.3 हमने कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये बताएं। जी सर। 27.3 हमने कंप्लीट नहीं किया, तो आपने उसका फिक्स्चर का अकाउंट जो है वो बनाना है, कंप्लीट नहीं हुआ फिक्स्चर बनाना है आपने। हाँ जी। तो वो भी करना है, 27.4 भी आपने ट्राई करनी है, और कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको भेजूंगा व्हाट्सएप से, वो आपने करने हैं, ठीक है? तो ये काम आपका है इंशाल्लाह। और टॉपिक मैंने आपको जो नया लिखवाया वो नया है, अगर तो 27.4 आपसे नहीं हुआ तो फिर मुझे कल करवाना पड़ेगा, सारी बात है। अगर हो गया तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है जी? जी सर। अच्छा फातिमा, आपको नंबर में भेज रहा हूँ सर का, आप कॉल कर लें उनको और उनसे टाइम डिसाइड करके क्लास एक दो लेके देखें हमसे, फिर मुझे बताएं, राइट? यस सर। हाँ जी, ठीक है जी, ओके फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। Thank you.